नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखते हैं कि एक नया नोटिफिकेशन कोल्हान के द्वारा आ गया है, जो है आपका 5th एनुअल कॉन्वेक्शन, मतलब जो कोल्हान विश्वविद्यालय है वो अपना 5वां दीक्षांत समारोह मनाने वाला है। तो आइए हम उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। तो ये रहा हमारे स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन है कोल्हान का, तो मैं इसको बताता हूँ। द 5th एनुअल कॉन्वेक्शन ऑफ द कोल्हान यूनिवर्सिटी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 8 अप्रैल। जो हम लोग का दीक्षांत समारोह है वो आपका 8 अप्रैल 2022 को होने वाला है, जिसमें आपको PhD PG फाइनल एग्जामिनेशन सेशन 16-18 17-19 18-20 और MDS फाइनल एग्जाम जिनका सेशन 15-18 16-19 और 17-21। मेडिकल PG डिग्री वालों को भी मिलेगा, मेडिकल डिप्लोमा वालों को, LLB फाइनल ईयर जो है उनका भी, MBBS फाइनल एग्ज़ाम जो क्लियर किए हैं उनका भी, और MED का फाइनल एग्ज़ाम पास आउट कर चुके हैं उनको भी, और BSc नर्सिंग वालों को, फिर आपका BTEC वालों को, और UG का जो फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुके हैं सेशन 15-18 16-19 17-20 वालों को, फिर MBA फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिए हैं वालों को, प्लस MCA MA MED और भी डिग्री हैं, इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा इस समारोह पे। विलिंग टू रिसीव डिग्री सर्टिफिकेट 5th एनुअल कन्वेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन बाय द 23-2020। अगर आप भी इसी सेशन के बीच में हैं और आप भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आप इस 5th दीक्षांत समारोह में आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप उस पर ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन का डेट आपका 20-3-2022 तक रखा गया है, जिसमें आपको एडमिट कार्ड देना होगा, मार्कशीट देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, और मेट्रिकुलेशन का बोर्ड सर्टिफिकेट जो है आपको उसको और उसके साथ में फ़ोटो और सिग्नेचर को अटैच करना पड़ेगा, और उसमें आपको 500 का जो फी है उसको पे करना पड़ेगा पर कैंडिडेट सभी को। और अगर जो PhD पास कर चुके हैं तो उनके लिए 1000 रुपीज़ का फ़ी रखा गया है। और आप इसको डालना चाहते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.kuunib.in पर जाके आप इसको डाल सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो 20-3-2022, मतलब 20 मार्च 2022 तक रहेगा। तो इस तरह के आपको नोटिफिकेशन जानने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम अगले वीडियो पे मिलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्म को अप्लाई किया जाता है और क्या क्या मांगा गया है। इसको मैं आपको फॉर्म फिलअप करके विस्तार से बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।